बच्चों आज हम स्टीम बोट के पीछे की फिजिक्स समझेंगे। ये मेरे पास एक छोटी सी स्टीम बोट है, इसकी वर्किंग को समझेंगे और ये भी आज हम जानेंगे कि बेटा ये वाटर के अंदर सिंक क्यों नहीं करती। चलिए, तो ये छोटी सी स्टीम बोट ये बनी होती है टिन की। टिन की डेंसिटी होती है, इसकी जो बॉडी बनी होती है टिन की बनी होती है, टिन की डेंसिटी होती है 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाटर की डेंसिटी कम है, टिन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये सिंक क्यों नहीं करती वाटर के अंदर। उसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं। बेटा इसकी जो शेप बनी हुई है, उस शेप के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो एयर का अमाउंट है, एयर इसके अंदर ज़्यादा फिल्ड है, इसके जो एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर एयर ज़्यादा एंटर हो रही है। अब एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, 1.28 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी बहुत ही कम है और इस टिन की डेंसिटी 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी वजह से इस पूरी शेप की, इस पूरी बॉडी की एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। अब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है पूरी मिलाकर, एयर प्लस दिस टिन, एवरेज डेंसिटी इसकी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, इस पूरी शेप की डेंसिटी कम, तो ये सिंक नहीं कर पाती है, फ्लॉट करती है। अब ये वर्क कैसे करती है उसके पीछे हम समझते हैं, इसके पीछे की वर्किंग। तो बच्चों अगर मैं इसके ऊपर का एक कवर हटा देता हूँ तो आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक मेटल का ये ब्लॉक लगा हुआ है इसके अंदर, और इस मेटल के ब्लॉक से ये दो पाइप कनेक्टेड है। ये देखिएगा, ये दो पाइप बेटा बाहर की तरफ भी निकले हुए हैं। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि बेटा इन दोनों पाइप के अंदर हम थोड़ा सा पानी एंटर कराते हैं। अब इन दोनों पाइप के अंदर वाटर एंटर हो गया और ये पाइप इस मेटल की ब्लॉक से कनेक्टेड है। इस मेटल की ब्लॉक को हम हीट करते हैं यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल रखकर। ये मेटल का ब्लॉक जब हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से बेटा इन पाइप के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर कंडक्शन होता है जिसकी वजह से मेटल की पाइप बहुत ज़्यादा हीट होने लगते हैं। अब इनके अंदर वाटर है, वाटर भी हीट होने लगता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद हाई वेलोसिटी के साथ वाटर यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। अब बेटा जब यहाँ इस रीजन की वेलोसिटी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वाटर हाई वेलोसिटी के साथ जब बाहर निकल रहा होता है, तो इस रीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी इस रीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वाटर की इंक्रीज, इस रीजन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इस रीजन का प्रेशर डिक्रीज। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इस रीजन का प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसको वाटर के अंदर रखता हूँ, अब जब हाई वेलोसिटी के साथ जब वाटर इन एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू स्टीम बनकर बाहर निकल रहा होता है, तो इस रीजन का प्रेशर कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बेटा पुश करता है, जिसकी वजह से आगे जाती है, फिर से थोड़ा सा पानी अंदर एंटर होता है, फिर से वाटर हीट होता है, वाटर हीट होने के बाद हाई वेलोसिटी के साथ वाटर बाहर आता है हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यहाँ इस रीजन का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, पीछे से क्या मिलता है, पीछे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर से इसको एक पुश मिलता है, तो ये आगे की तरफ चलती है, तो फट 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 करती हुई ये आगे की तरफ बढ़ती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी के ऊपर बेटा हमारी ये स्टीम बोट वर्क करती है। चलिए इसको अब हम चला कर देखते हैं कैसे इसको चलाते हैं। तो बच्चों मैंने से पाइप कनेक्टेड है, वो भी हीट हो गए हैं, ये दोनों पाइप हीट हो गए हैं, जिसकी वजह से बेटा
इनके अंदर जो वाटर है वो हीट हुआ, अब वो स्टीम बनकर कंटिन्यूसली बेटा यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से इस इंजन का जो प्रेशर है बेटा वो डिक्रीज हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पीछे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इसको कंटिन्यूसली पीछे से पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारी बोट बेटा वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी स्टीम बोट की वर्किंग मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर बेटा आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। इस वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।